सहरसा में एक अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया। यहां कुछ डॉक्टर्स ने मिलकर टॉर्च की रोशनी से महिला मरीज को ऑपरेशन किया। मामला सदर अस्पताल का है, बताया जा रहा है उस वक्त महिला को ऑपरेशन हो रहा था और अस्पताल में बिजली नहीं थी। पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति के ड्राइवरों ने हंगामा किया, पुलिस पर अवैध वसूली का लगाया आरोप। ड्राइवर संघ ने सड़क जाम कर किया असर। भोजपुर में बीती रात अपराधियों ने आदित्य सिंह नाम के प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला आरा नगर थाना इलाके के गंगी सतपाड़ी गांव का है। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 10 अपराधियों ने आदित्य सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों में एक महिला शामिल थी। दरभंगा ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों ने एक कट्टा और 3 गोली भी बरामद की है। 13 मार्च को दरभंगा बस स्टैंड पर दिनदहाड़े 2 गुटों में फायरिंग हुई थी। इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई थी। गिरफ्तार हुए 6 लोगों में से 3 नामजद अभियुक्त हैं। जमुई में कोलकाता मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा का टौना पुल के पास हुआ। बताया जा रहा है कि युवक घायल था, बमुश्किल रेलवे लाइन के सहारे जमुई स्टेशन पहुंचा, जिसके बाद जीआरपी सदर अस्पताल पहुंचाया। भागलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 छात्र मोबाइल से सेल्फी लेने के दौरान गंगा में डूब गए। रूपेश और हिमांशु नाम के छात्र अपने 4 दोस्तों के साथ गंगा किनारे घूमने गए थे, जहां वो मोबाइल से सेल्फी लेने लगे। इसी दौरान रूपेश का पैर फिसलने से वो गंगा में जा गिरा। उसके बाद हिमांशु भी नदी में गिर गया। फुलवारी शरीफ के भुसौला दानपुर के पास अनियंत्रित ऑटो के पलटने से एक शख्स की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। मृतक लहरिया चक का रहने वाला सुरेंद्र पासवान था, जो नगर निगम में सुपरवाइजर था। बाढ़ का डाक बंगला मार्केट में गंदगी का अंबार है, जिससे यहां के दुकानदारों को काफी परेशानी होती है। वहीं खरीदार भी बदबू से परेशान रहते हैं। इतना ही नहीं, मीट मछली के दुकान से निकला कचरा भी ऐसे ही फेंक दिया जाता है। बाढ़ अनुमंडल को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर स्थानीय युवाओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। स्थानीय युवा गांव-गांव जाकर लोगों से हस्ताक्षर ले रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी एक बैठक आयोजित की। मुंगेर में जेल में बंद कैदियों के लिए योग अभ्यास कराया जा रहा है, ताकि कैदियों के मानसिक स्थिति में सुधार आ सके। कैदियों को न सिर्फ योग सिखाया जाएगा, बल्कि समाज में शांतिपूर्ण ढंग से रहने के गुण भी सिखाए जाएंगे। योग कार्यक्रम 24 मार्च तक चलेगा। सीएम नीतीश कुमार के विधायक पद को अयोग्य करार देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एमएल शर्मा की ओर से याचिका दायर की गई थी। 1991 में दर्ज एक हत्या की प्राथमिकी में नीतीश कुमार का भी नाम है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी हलफनामे में इस प्राथमिकी का कोई जिक्र नहीं किया है।